हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका कल की 2898 एडी के सेकंड वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इस फिल्म की स्टोरी प्रेडिक्शन, प्रोबेबल थ्योरीज एंड इस फिल्म में दिखाए जाने वाले वेपन्स को एक्सप्लोर किया था, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस फिल्म के कुछ सीक्रेट्स, विजुअल इफेक्ट्स एंड लास्ट में मैं अपनी राय दूंगा कि कैसे इस फिल्म को आदि पुरुष या ब्रह्मास्त्र जैसा होने से रोका जा सकता है। वैसे ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बोली थी, लेकिन सॉरी यार, वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे दी है, आप जाके देख सकते हैं। अब लौटते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। तो इस फिल्म के कुछ सीक्रेट्स जो डायरेक्टर नाग अश्विन ने बताए हैं वो ये है कि कल्कि 2898 एडी इंडिया की एक ऐसी यूनिक साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है जो अपनी स्टोरी लाइन और प्रोडक्शन सीक्रेट्स की बदौलत ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। डेडिकेटेड टीम ने ऑलमोस्ट 5 साल लगाए इस फिल्म को बनाने में, जिसमें इस फिल्म में दिखाई जाने वाली माइनर से माइनर चीजों का ध्यान रखा गया है। फिल्म में दिखाए जाने वाले वेपन से लेकर टेक्नोलॉजी तक की छोटी से छोटी डिटेल्स पर फिल्म मेकर्स ने पूरा ध्यान दिया है। फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट से लेकर संतोष नारायण के म्यूजिक तक इस फिल्म में इंडियन रूट्स एंड माइथोलॉजी को एक्सपीरियंस किया जा सकेगा। इस फिल्म में ऐसे कई राज हैं जो डायरेक्टर सिंगल स्क्रीन पर ही खुलेंगे। कुल मिलाकर बवाल ही बवाल है। अच्छा, अब बात करते हैं इस फिल्म के VFX की। तो कल्कि के कुल बजट 617 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा यानी 238 करोड़ इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट देने के लिए अलोकेट किया गया है, जो कि फिल्म के बजट का ऑलमोस्ट 38% है। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि फिल्म विजुअली स्टनिंग सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देने वाली है। फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन का कहना है कि उन्होंने अवेंजर्स एंड अवतार जैसी फिल्मों के VFX पर काफी रिसर्च की है इस फिल्म के VFX को डेवलप करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या दिखाने वाले हैं ये लोग। तो इस फिल्म में आपको ऑल न्यू फ्यूचरिस्टिक इंडियन सिटीज देखने मिलेगी। फ्यूचरिस्टिक वेपन्स कॉस्ट्यूम्स पर भी अच्छा खासा खर्चा किया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर नाग अश्विन ने CGI के बजाय फिल्म में रियल व्हीकल इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसके लिए फिल्म मेकर्स की आनंद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से डील भी हुई, जिसके बाद महिंद्रा की R&D फैसिलिटी चेन्नई में इन फ्यूचरिस्टिक कारों की डेवलपमेंट शुरू हुई। हो सकता है कि फिल्म की रिलीज के बाद ये फ्यूचरिस्टिक कारों के मॉडल्स हमें देखने को मिले। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो इस फिल्म को अवॉइड करनी चाहिए ताकि ये फिल्म अगली आदि पुरुष या ब्रह्मास्त्र बनने से बच जाए। सबसे पहले तो इस फिल्म को अपने डायलॉग्स पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि आप ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो कि एपिक होने वाली है। तो उस फिल्म में आपको डायलॉग्स पर काफ़ी मेहनत करनी होगी। फिल्म के डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाए, बिल्कुल रजामौली एंड भंसाली की फिल्मों के जैसे। तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को तावते। ऐसे नहीं किया बस शिवा शिवा बोल के चले जाए या तेल तेरे बाप का वगैरह वगैरह। दूसरी चीज, जैसा मैंने शुरू में बताया कि इस फिल्म के VFX पर काफी खर्चा किया गया है, तो VFX इस फिल्म के बिल्कुल चीप नहीं लगने चाहिए। जैसे ब्रह्मास्त्र कितनी भी अच्छी हो या बुरी, अंत में फिल्म को लेजर लाइट शो ही कहा गया। वैसे कल्कि का टीजर काफी ब्रिलियंट था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं VFX में थोड़ी कमी जरूर दिखाई दी, तो उन कमियों को दूर किया जा सकता है। वरना बाद में आदि पुरुष की तरह ही इस फिल्म को ट्रोल किया जाएगा कि VFX पर इतना स्पेंड करने के बाद भी अब दिया। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 40 करोड़ के ओवरऑल बजट में बनी फिल्म हनुमान है, जिसके VFX केस स्टडी का विषय है, लेकिन कल्कि के पास 238 करोड़ तो सिर्फ VFX के लिए है, तो फिल्म मेकर्स को यहाँ टॉप नॉच VFX देने होंगे। अगला फिल्म मेकर्स को यह इंश्योर करना जरूरी है कि तथ्यों से बिल्कुल छेड़छाड़ न की जाए, वरना आप आदि पुरुष का हर्ष देख सकते हैं। रावण का हेयर कट, रावण की लंका, पुष्पक विमान, हर चीज की आदि पुरुष के फिल्म मेकर्स ने धज्जियां उड़ा दी थी, तो उन चीजों को फिल्म मेकर्स को अवॉइड करना पड़ेगा। यहाँ फिल्म के हर वेपन्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा कि भगवान विष्णु के एंशियंट वेपन कैसे मॉडर्न लुक में ट्रांसफॉर्म हुए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में बिल्कुल ऐसा हुआ था। हमें अस्त्र तो कई दिखाई दिए, लेकिन उनका ओरिजिन फिल्मों में दिखाया नहीं गया। अगर ओरिजिन दिखाया जाता तो ऑडियंस थोड़ी और फिल्मों से कनेक्ट कर पाती। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।